सूक्ष्म जीव मित्र या शत्रु भाग दो। बच्चों, आज हम सूक्ष्म जीव के विषय में पढ़ेंगे कि क्या वे हमारे दुश्मन हैं। हाँ, हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव किस तरह से हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अपने भोजन को किस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। हाय दोस्तों, हम पहले भी मिल चुके हैं। मैं हूँ सानिया और ये है मेरे भैया सोनू। भैया, आप इस हैंडलाइन से क्या कर रहे हैं? मैं एक बहुत ही अजीब चीज देख रहा हूँ सोनिया। क्या मुझे भी दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा। इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है भैया। छी, कितना गंदा है ये। ये तो सड़ा हुआ डबल रोटी का पीस है और इसमें से कितनी बदबू भी आ रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इतना गंदा क्यों दिख रहा है ये? मैं तो बिल्कुल नहीं खा सकती इसे। फफूद नामक सूक्ष्म जीव के कारण यह पूरी तरह से सड़ गया है और इसमें से बदबू आ रही है। फफूद क्या होता है भैया? फफूद एक सूक्ष्म जीव होता है सोनिया, जो कि प्रजनन के द्वारा धीरे धीरे पूरे ब्रेड स्लाइस में फैल जाता है। इसके लिए इसे नमी चाहिए। इसी प्रकार जीवाणु भी हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। हमारी बहुत सारी खाने की वस्तुएं विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा सड़ जाती हैं और खराब हो जाती हैं, जिन्हें हम खा नहीं सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव केवल डबल रोटी में ही नहीं, फलों में, मिठाई में और आटे में भी उत्पन्न होकर इन्हें सड़ा देते हैं। यह भोजन फिर खाने योग्य नहीं रहता है। इन जीवाणुओं के द्वारा भोजन के रंग स्वाद में भी अंतर आ जाता है। हाँ, और गंध आने लगती है। उस गंध का मतलब है कि भोजन सड़ गया है। सड़ना मतलब कि उसमें जीवाणु उत्पन्न हो गए हैं। अगर उसे खाया जाए तो उससे इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ भैया, अगर उसे खाते हैं तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये जीवाणु पेट में जाकर हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले नुकसानों के बारे में अगर पढ़ें तो पके खाने को सड़ाना और कच्ची सब्जियों और फलों को सड़ाना, खाने में दुर्गंध उत्पन्न करना और भी उदाहरण आप खुद ढूंढें और बताएं। मम्मी, हम लोग जा रहे हैं। अरे ये क्या, आम का अचार? वाओ, आम का अचार तो मुझे बहुत पसंद है। बच्चों, आज मैं आम का अचार बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आमों को खराब होने से बचाने के लिए इसमें तेल और नमक और अन्य मसाले डालकर स्वादिष्ट अचार बनाया जाता है। इसे परिरक्षण कहते हैं। विभिन्न मसालों के द्वारा आम को जीवाणुओं द्वारा सड़ने से बचाया जा सकता है और अन्य भोजन के पदार्थों को भी हम लोग परिरक्षण विधि के द्वारा सड़ने से बचा सकते हैं। जीवाणुओं के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो नमक, सिरका आदि से कम हो जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग विभिन्न प्रकार के फलों का जैम, जेली, मुरब्बा भी बना सकते हैं। चीनी के द्वारा भी यह परिरक्षण किया जा सकता है और सिरके के द्वारा हम लोग प्याज, अचार, हरी मिर्च आदि को भी जीवाणुओं के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें कि हम दो कटोरियों में दूध लेते हैं, एक में कच्चा दूध और एक में उबला हुआ दूध। कुछ समय पश्चात हम देखेंगे कि जो कच्चा दूध है वह खराब हो जाएगा, लेकिन जो उबला हुआ दूध है वह सही रहेगा। दूध को उबाल कर उसका परिरक्षण कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।